नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। मैं हूं मीनू शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के समाचार में। आज फगसू डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठरी से सामाजिक कार्यकर्ता मंसूर अहमद ने द लोकल रिपोर्ट के साथ DDC इलेक्शंस के संबंध में बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि अब DDC के इलेक्शंस आ रहे हैं और हमें सोच समझ कर अपने वोट्स का इस्तेमाल करना है। उन्होंने ये बताया कि इस समय हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन हमें इन सबसे सतर्क रहना है और अपने भविष्य के बारे में सोचना है। उन्होंने द लोकल रिपोर्ट के साथ बातचीत करते हुए ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, J&K गवर्नमेंट और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गरीब लोगों के लिए पैसा आता है। अगर वह पैसा गरीब तक नहीं पहुंचता तो इसमें पंचायत की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारी है जो हमने सही समय पर सही चुनाव नहीं किया। वो द लोकल रिपोर्ट के माध्यम से लोगों से बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आने वाले 5 साल के लिए ऐसा नेता चुनें जो हमेशा उनके हित के लिए काम करेगा। तो आइए मंसूर अहमद की इस बातचीत को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं द लोकल रिपोर्ट की ये बारिश है कि इस वक्त DDC इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें क्योंकि आपके साथ इस वक्त बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन आप बखूबी जानते हैं पिछले 2 साल से कि जो पंचायती इलेक्शन में आपके साथ वादे किए गए उनकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सही वोट का सही जगह पर इस्तेमाल करें क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लिए, गरीब आवाम के लिए बहुत पैसा आता है। अगर वो हम तक नहीं पहुंचता है तो इसकी पंचायत की कोई गलती नहीं है क्योंकि हमने सही वक्त पर सही लीडर को नहीं चुना है। अब आपके पास मौका है सही लीडर चुनने का ताकि आने वाले 5 साल में आपको उसकी सजा ना भुगतनी पड़े। आप उसमें इस चीज को देख लीजिए उसकी उसमें इंसानियत है या नहीं, वो आवाम के लिए काम करता है या नहीं और आने वाले 5 साल में वो कर सकता है या नहीं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करें और आने वाले 5 सालों में आप उसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।